नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कहां पर स्थापित है 1,00,000 छिद्रों वाला अद्भुत शिवलिंग। देवों के देव महादेव भगवान शिव के प्रति भारतीय जनमानस में अपार श्रद्धा है। भगवान शिव का पूजन शिवलिंग के रूप में किया जाता है। पूरे भारत में भगवान शिव से संबंधित प्राचीन व अद्भुत मंदिर स्थित हैं। इन मंदिरों में रहस्यमय शिवलिंग स्थापित हैं। प्रत्येक शिवलिंग का अपना इतिहास है। आज हम आपको एक ऐसे चमत्कारिक शिवलिंग के बारे में जानकारी देंगे जिसमें 1,00,000 छिद्र हैं। मान्यता है कि शिवलिंग की स्थापना भगवान लक्ष्मण ने स्वयं की थी। यह स्थान लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर के नाम से विख्यात है। लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 120 किलोमीटर की दूरी पर खरौद नगर में स्थित है। मान्यता है कि स्थान पर भगवान राम ने खर व दूषण का वध किया था, इसीलिए स्थान को खरौद के नाम से जाना जाता है। खरौद नगर में कई प्राचीन मंदिर स्थित हैं, इसी कारण इसे छत्तीसगढ़ की काशी भी कहा जाता है। यह मंदिर शिवरी नारायण से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान राम ने की थी मंदिर की स्थापना। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना भगवान राम ने की थी। खर और दूषण के वध के बाद लक्ष्मण के कहने पर भगवान राम ने इस मंदिर की स्थापना की थी। यह शिवलिंग यानी लक्षलिंग जमीन से तकरीबन 30 फीट ऊपर है। इस शिवलिंग को स्वयंभू लिंग भी कहा जाता है। गर्भगृह में स्थापित है लक्षलिंग। इस मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग स्थापित है। मान्यता है कि अद्भुत शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान राम ने की थी। इस शिवलिंग में 1,00,000 छिद्र हैं, इसलिए इस शिवलिंग को लक्षलिंग कहा जाता है। संस्कृत में लाख को लक्ष कहा जाता है, इसलिए इस शिवलिंग का दूसरा नाम लक्षलिंग भी है। इन 1,00,000 छिद्रों में से एक छिद्र ऐसा है जिसे पातालगामी कहा जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि उस छिद्र में जितना भी जल डाला जाता है वह सारा जल उस छिद्र में समा जाता है। इस रहस्यमय शिवलिंग में एक छिद्र अक्षय कुंड है जिसमें हर समय जल भरा रहता है। यह भी मान्यता है कि लक्षलिंग पर चढ़ाया गया जल मंदिर के पीछे स्थित कुंड में चला जाता है, क्योंकि यह कुंड कभी भी नहीं सूखता। मंदिर से जुड़ी प्राचीन कथा। कहा जाता है कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण को रावण का वध करने पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वह रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना कर पूजा करना चाहते थे, इसलिए लक्ष्मण जी को सभी प्रमुख तीर्थों से जल लेकर आने का कार्य दिया गया। लेकिन जब लक्ष्मण जी गुप्त तीर्थ शिवरी नारायण से जल लेकर वापस लौट रहे थे तो वह बीमार हो गए। इसके उपरांत उन्होंने भगवान राम के पास पहुंचकर शिवलिंग स्थापित करके भगवान शिव की आराधना की। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद यह स्थान लक्ष्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा खड़गदेव ने करवाया था मंदिर का जीर्णोद्धार। राजा खड़गदेव ने बाद में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में हुआ था। मंदिर के बाहर राजा खड़गदेव और उनकी पत्नी की हाथ जोड़े हुए मूर्ति भी स्थापित है। मंदिर में मौजूद है प्राचीन शिलालेख। यह मंदिर पश्चिम दिशा में स्थित है। मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही सभा मंडप बना हुआ है। इसके दक्षिण तथा वाम भाग में दीवार पर एक एक शिलालेख देखने को मिलता है। दक्षिण भाग में मौजूद शिलालेख की भाषा अस्पष्ट है। दूसरे शिलालेख की भाषा संस्कृत है। इस पर 44 श्लोक लिखे गए हैं। इस शिलालेख में उल्लेख किया गया है कि चंद्रवंशी है वंश में रतनपुर के राजाओं का जन्म हुआ था। इन्होंने अनेक मंदिरों, मठों और तालाबों का निर्माण करवाया। रतनदेव तृतीय की राल्हा और पद्मा नामक दो रानियां थी। पद्मा के घर खड़गदेव का जन्म हुआ, जो बाद में रतनपुर के राजा बने। राजा खड़गदेव ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इस शिलालेख के अनुसार 8वीं शताब्दी तक मंदिर का निर्माण हो चुका था, जिसके बाद इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। इसी तथ्य को आधार मानते हुए कुछ विद्वान इस मंदिर को 6वीं शताब्दी का मानते हैं। इस मंदिर में श्रावण महीने के सोमवार और शिवरात्रि के अवसर पर मेला लगता है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने और आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। सो दोस्तों, यह थी 1,00,000 छिद्रों वाले अद्भुत शिवलिंग से जुड़ी जानकारी।
हर दिन नए और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल D5 हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के बेहतरीन आर्टिकल्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। जुड़े रहें चैनल D5 हिंदी के साथ।